बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा टॉपिक टीपी सेंसर, थ्रोटल बॉडी पोजीशन सेंसर। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि ये जो है थ्रोटल बॉडी की पोजीशन क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन ईसीएम को बताता है। मसलन ये पोजीशन जो है, इसकी क्या पोजीशन है, ये बटरफ्लाई की पोजीशन क्या है, ये 20% ओपन है, 40% ओपन है, 50% ओपन है, 100% ओपन है। इस बात की इंफॉर्मेशन ईसीएम को देने का काम थ्रोटल बॉडी में टीपी सेंसर करता है। और टीपी सेंसर की लोकेशन जो है, देखें तो एक्सीलेटर पेडल के हमेशा अपोजिट साइड में, हमेशा अपोजिट साइड में इसकी लोकेशन मिलेगी टीपी सेंसर की। तो ये बात एक बार और बिल्कुल जहनशीन कर लीजिए, टीपी सेंसर का काम थ्रोटल पोजीशन क्या है, थ्रोटल बॉडी की पोजीशन क्या है, ईसीएम को बताना, ठीक। और थ्रोटल ओपन तब होती है जब एक्सीलेटर प्रेस किया जाता है, ठीक है। आइडल पोजीशन में खड़ी गाड़ी तभी ओपन नहीं है, जब हमारा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तब इसकी इन्फॉर्मेशन ईसीएम को जाती है कि इतने परसेंट जो है बटरफ्लाई ओपन हो चुकी है, राइट। जो हमारी आजकल इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आ रही हैं तो उसमें जो है टीपी सेंसर नहीं मिलता, उसमें टीपी सेंसर नहीं मिलता, उसका काम एक्सीलेटर पेडल में ही है, ठीक है। तो वहाँ पर टीपी सेंसर नहीं होगा, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी आज की डेट में आ रही है। इसकी पिन नंबर 1 ये ग्राउंड है, पिन नंबर 2 वो है जो ईसीएम को वोल्टेज की शक्ल में, वोल्टेज के रूप में ये बताएगा कि जो बटरफ्लाई है वो इतने परसेंट ओपन है। इस बीच वाली पिन का काम ये है, आसान शब्दों में अगर समझें तो। और जो साइड वाली पिन है इसको 5 वोल्ट की नीड होती है, ठीक है। इसको 5 वोल्ट चाहिए, साइड में ग्राउंड चाहिए, तभी बीच वाली पिन काम करेगी। अगर इसे 5 वोल्ट रिसीव नहीं होंगे, ठीक है, तब ये सेंसर काम नहीं करेगा, ठीक। आपके इग्निशन स्विच ऑन कर दीजिए आप गाड़ी में, तो ये 5 वोल्ट ईसीएम से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ईसीएम से ये 5 वोल्ट आएंगे तब ये सेंसर वर्किंग शुरू करेगा। और अगर हम नॉर्मल पोजिशन पर देखें, बस हमने एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया है, तो हम देखें ये बीच वाली पिन पर लगभग 1 वोल्ट या 1 वोल्ट से भी कम मिलते हैं। और जैसे जैसे एक्सीलेटर प्रेस करेंगे, जैसे जैसे प्रेस करेंगे इसको हम, तो वैसे वैसे इस वाली पिन के वोल्टेज बढ़ने लगते हैं। और इसके अधिकतम वोल्ट जो बीच वाली पिन के होते हैं वो लगभग 4.5 से लेकर 4.8 के आसपास तक वोल्ट होते हैं, हाई वोल्टेज के। जब एक्सीलेटर फुल प्रेस हो चुका है तब इसकी आउटपुट इतनी निकलती है। तो इसे हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद देखते हैं ये वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप ये समझिए कि हमने जो है वो एक सप्लाई ये दे दी 5 वोल्ट की इसको, ठीक है, स्पिन पर, और ये ग्राउंड दे दिया हमने, ठीक है, सेंसर के लिए, टीपी सेंसर के लिए। अब वो जो बीच वाली पिन बचे, जो बीच की पिन बचे, तो वहां पर हमने ये लगा दिया, ठीक है, ताकि इस पर हम आउटपुट देख सकें कि ये सेंसर अपना आउटपुट दे रहा है या नहीं, ठीक। ये सप्लाई हो गई, ये सेंसर हो गया, मीटर को हमने ऑन किया, ठीक है जी। और ग्राउंड को ग्राउंड पे लगा दिया हमने। ये सेंसर को काम करने के लिए पहले तो 5 वोल्ट चाहिए, ग्राउंड चाहिए, तभी ही अपना काम करेगा ये, ठीक है। ये वोल्ट आ रहे हैं इसके इस समय। अब जैसे जैसे हमने एक्सीलेटर प्रेस किया 1.3 वोल्ट हो गए, और प्रेस किया 1.9, 2.9,
ये हमने फुल कर दिया अब, तो ये 4.15, 4.2 लगभग मान लें इसको। तो ये फुल एक्सीलेटर प्रेस करने पर, और जैसे एक्सीलेटर छोड़ा हमने तो ये फिर वापस आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही है कि ये सेंसर जो है जैसे जैसे एक्सीलेटर प्रेस किया और हमारा बटरफ्लाई खुली, अब ये 30% या 25% पर खुलने पर ECM को TP सेंसर इतने बोल्ट प्रोवाइड करा रहा है। और ये बोल्ट उससे ये कह रहे हैं कि हमारा जो थ्रोटल बॉडी की 20% ओपन हो चुकी है, इसी के रेशियो में फ्यूल इंजन को प्रोवाइड करा जाए, ठीक है, जो मिक्सचर बनेगा एयर और फ्यूल का। तो ये उस मिक्सचर को बनने की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब एक्सीलेटर फुल प्रेस कर दिया, तब यहाँ पर ECM अलग अपनी कैलकुलेशन करेगा मिक्सचर के लिए। तो इस तरह से टेस्टिंग से दो मतलब हुए, एक तो ये पता चल गया कि हमारा ये किस तरह से टेस्ट होता है TP सेंसर, और इसकी बीच वाली पिन जो आउटपुट की है जो ECU पे जाती है, और 5 वोल्ट जब भी इसे चेक करें तो पहले 5 वोल्ट चेक करें कि 5 वोल्ट आ रहे हैं, ग्राउंड सही है नहीं है, तब इस सेंसर को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं सप्लाई दे गए, ठीक है। ये फुल कर रहे हैं, वोल्ट बढ़ रहा है, बीच में लाए 2.7 और बढ़ाया, ये 3 पॉइंट फुल करा तो लगभग 4.2 के आसपास, ये छोड़ दिया तो ये आ गए। इसका मतलब ये जैसे जैसे ये बटरफ्लाई ओपन हो रही है, जैसे जैसे ये खुल रही है, वैसे वैसे यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक। जैसे जैसे एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे वोल्ट बढ़ रहा है, और जैसे जैसे छोड़ रहे हैं तो वोल्ट घट रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इस पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो स्कैनर से जब इसको हम स्कैन करते हैं तो उस समय इसके जो DTC कोड आते हैं वो DTC कोड P0120 यानी 120 से लेकर 124 के बीच में होते हैं, P0 124, ठीक है, ये यूनिवर्सल कोड है। P0120 से लेकर P0124 तक इसके सारे कोड आते हैं। तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।